भाई साहब शासन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत जी भी हैं। मैम, जिस तरह से राहुल जी घंटों से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, संभल जाना चाहते हैं, आप लोग भी उनके साथ हैं, रोका जा रहा है, क्या कहेंगे आप? क्यों रोका जा रहा है? सवाल इस बात का है, संभल में हिंसा हुई, संभल में हिंसा में 5 लोगों की मृत्यु हुई, पुलिस की गोली से मौत हुई, और संभल में अगर शांति बहाल हो गई है तो राहुल गांधी उनके परिवारों को ढांढस बंधाने जाना चाहते हैं, शांति की अपील करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके जाने पर क्यों रोक लगाई जा रही है? क्या दिक्कत हो जाएगी अगर वो वहां पर जाएंगे? राहुल जी मणिपुर ऐसे ही गए थे, लोगों के आंसू पोंछे थे, वही काम वो वहां पर करना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? और जिस तरह से पुलिस प्रशासन रोक रहा है, कहीं पर यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा कौन सा सिया सच है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है? राहुल जी ने तो ये तक कह दिया है कि मैं अकेला प्रशासन की गाड़ी में बैठकर जाने को तैयार हूं, उसके बाद भी अगर परमिशन नहीं मिल रही है तो जरूर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें, संवैधानिक तस्वीरें आपको नजर आ रही है, 1 घंटे से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़कों पे मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता लोग भी। चाहती हूँ, सिर्फ राहुल जी, प्रियंका जी और कार्यकर्ता नहीं है, इन लोगों ने आम जनता के लिए भी रास्ता रोक दिया है। क्यों आपने रास्ता रोका है? आम जनता को आगे बढ़ने दीजिए, आम जनता को क्यों नहीं जाने दे रहे? आप बाधा बन रहे हैं आम जनता के लिए। हम तो चाहते हैं आम जनता जाए, आम जनता को भी नहीं जाने दे रहे। असलियत यह है कि यूपी पुलिस का, यूपी प्रशासन का एक पैटर्न है। हाथरस में भी इन्होंने रोकने की कोशिश करी, लखीमपुर नरसंहार के वक्त भी रोकने की कोशिश करी, उन्नाव रेप पीड़िता से भी मिलने की कोशिश करी थी, जब हम जहां जा रहे थे रोका था। क्यों रोकते हैं ये? क्योंकि ये कुछ सियासत छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच बाहर आ जाता है, ये कब समझेंगे? सवाल ये भी है कि पुलिस प्रशासन कहता है वहां का कि संभल में हालात सामान्य है, और राहुल गांधी जैसे ही जाने की बात करते हैं वो कहते हैं ठीक बढ़ा देते हैं, वो तारीख जो 2 तारीख को खत्म हो जानी थी आप 8 दिन बढ़ा देते हैं। वहां का डीएम बुलंदशहर से लेकर अमरोहा, नोएडा, गाजियाबाद के डीएम को चिट्ठी लिख के बोल रहे हैं इनको आगे ना आने दिया जाए। क्यों नहीं आगे आने दिया जाए? अगर स्थिति सामान्य है तो आवागमन शुरू करिए, अगर स्थिति सामान्य है तो नेता प्रतिपक्ष को जाने दीजिए, नेता प्रतिपक्ष जाके वहां पर शांति की अपील ही तो करेंगे, इसमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? स्वतंत्र भारत में इस तरह की तस्वीर की विपक्ष के नेता अगर वो किसी पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोका जाए। पुलिस का दमन है, ये यूपी पुलिस का अहंकार है, ये यूपी पुलिस की काली करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश है, ये यूपी प्रशासन के ऊपर धब्बा है। योगी आदित्यनाथ, जाग जाइए, 27 में आपकी विदाई तय है प्रशासन से, सरकार से, लेकिन इस तरह की हरकतें करके आप क्यों जगहसाई करा रहे हैं? अभी आगे क्या होगा? अगर अब राहुल जी ने कह दिया मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो यहाँ पर बने हुए हैं। थैंक यू।